Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Ramakrishna English Medium Primary and High School. Shalimar Hotel, veg and non-veg and special suite. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. नमस्कार, मैं वर्षानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। बसों कल्याण में महिलाओं की ओर से ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन CAA, NRC और NPR के विरुद्ध में किया गया। जनवरी 2020 को CAA, NRC और NPR के खिलाफ काली पट्टी सर पर बांधकर बसव कल्याण के ऐतिहासिक किले गेट के सामने महिलाओं ने एक ऐतिहासिक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कई कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, घर में रहने वाली महिलाएं, बूढ़े जवान, यहां तक कि मासूम बच्चे भी सर पर काली पट्टी बांधकर हाथ में प्ले कार्ड लिए हुए नारेबाजी करते हुए कभी आज़ादी के नारे तो कभी इनकलाब जिंदाबाद तो कभी NRC, CAA और NPR को वापस लेने के नारे लगाए। आए हुए के नीला अपने भाषण में कहा कि मोदी सरकार आए दिन मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, कभी मजहब के नाम पे तो कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर। मोदी और अमित शाह हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत के संविधान के लिए सभी सेकुलर एक होकर हुकूमत की इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। BJP को हिंदू राष्ट्र चाहिए, जो RSS का ख्वाब है और जिसके लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया है। और कहा कि चंद टीवी एंकर और टीवी पर शोर मचाने वाले BJP के लोग देश की आत्मा को नहीं बदल सकते। हजारों साल से गंगा जमुना तहजीब में डूबी इस हिंदुस्तान का दिल और दामन इतना बड़ा है कि एक मजहब नहीं बल्कि दुनिया के हर मजहब के मानने वालों को पनाह दिया है। और कहा कि हिंदुस्तान की 1897 की जंग आज़ादी में सभी मजहब के लोग मौजूद थे। जिस तरह अंग्रेजों ने मजहब के नाम पे हिंदुस्तान में फूट डाली, उसी तरह आज की सरकार वही काम कर रही है। लिए आज इस देश में उन मजहब के नाम पे कानून लाए हैं। मैं कहती हूँ, इस देश में हिंदू हो या मुसलमान, क्रिश्चियन हो या पारसी, बौद्ध, जैन, लिंगायत, हम सब लोग ये संविधान को मानना जरूरी है ना। संविधान हमारे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को हमें बचाना जरूरी है। यशोदा एन राठौड़, TP प्रेसिडेंट, ने भी कहा CAA, NRC और NPR बनाकर हिंदुस्तान की आबादी को खतरा होगा, इससे देश व समाज टूटेगा, बल्कि करोड़ों गरीब सिटीजनशिप से बेघर हो जाएंगे। खुतेजा सदफ ने कहा कि CAA, NRC, NPR कानून बेबुनियाद है। ये जहां देश की नागरिक को अपनी नागरिकता का सबूत दिखाना है, ये CAA कानून मजहब के नाम पर लाया गया है, इसको वापस लिया जाए। हिंदुस्तान की जमीन गवाह है, हम हिंदुस्तानी नागरिक है। और कहा कि पैदा भी हम यही हुए हैं और मरेंगे भी हम इसी देश में। और कहा कि हार गए तो कफन मुबारक, जीत गए तो वतन मुबारक। और इसे साबित करने के लिए किसी कागज का सहारा नहीं लेंगे। तारीख के सफर और हिंदुस्तान की सरजमी गवाह है कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं। तारीख के सफर और हिंदुस्तान के सरजमी गवाह है कि हम हिंदुस्तान के शहरी हैं। पैदा भी यही हुए हैं और मरेंगे भी यही इसी मुल्क में। हार गए तो कफन मुबारक, जीत गए तो वतन मुबारक।
खालिदा प्रवीण हैदराबाद ने अपने भाषण से पहले जोश के साथ आज़ादी का नारा दिया और कहा कि धरना देना, प्रोटेस्ट करना, ये सब कानूनी हक है। सीएए मजहब के नाम पर हिंदुस्तान नागरिक को बांट रहा है, ये कानून गैर कानूनी है, और कहा कि ये काला कानून हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में अलग कर दिया है, जिसका खतरनाक असर हिंदुस्तान की इकोनॉमिक पर पड़ रहा है, और कहा कि आज देश में धरना प्रदर्शन करने वाले के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, ऐसा अंग्रेजों ने भी नहीं किया, जो आज की हुकूमत कैंपस में जाकर नौजवान स्टूडेंट पर हमला कर रही है। काम चलता रहेगा, एनआरसी सीएए वापस लिए तक हम अपना जान भी देने के लिए तैयार है, ये हाल पे हमारे बच्चे पहुंच गए। चले आए, वो अपनी सियासत चलाने के लिए कुछ भी करेगा, वो अपनी सियासत चलाने के लिए कुछ भी करेगा, करोड़ों लोगों को खत्म कर देगा, करोड़ों लोगों को खत्म कर देगा, जिसको खुद के माँ का दर्द नहीं पता, जिसको खुद के माँ का दर्द नहीं पता, वो क्या हमारी तकलीफ समझेगा। अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानती हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से झूठ निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, अरे भाई जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, यहाँ किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सावित्री शर्नू सालगार तहसीलदार के थ्रू राष्ट्रपति को मेमोरेंडम दिया गया और आखिर में राष्ट्रीय गीत गाया गया। पीछे का बैनर भी लियो, फ्लैग को हलाओ मत, हलाओ मत, फ्लैग को हलाओ मत। अरे माइक बंद करो, माइक देश में बना कर रखेगा।
हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।